गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1 आपको स्टार्ट करवाई थी। इसके 1 to 10 तक क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आज अपन इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 11। देयर आर टू स्क्वायर्स ए एंड बी। आपको जो है टू स्क्वायर्स दे रखे हैं ए एंड बी, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए, जो स्क्वायर ए की हर साइड है ना, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी। इसकी हर साइड जो है स्क्वायर बी के डबल है। अगर मान लीजिए ये बी की साइड, ये वाली साइड 2 है तो ये 4 है, ठीक है। फाइंड, अपन को रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ द साइड्स बी टू ए, इन दोनों की साइड्स का रेशियो निकालना है। बी टू ए, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए टू बी, इन दोनों ए अपॉन बी, इनके पैरामीटर का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को क्वेश्चन में इतना गिवन दे रखा है कि इसका जो साइड है, इससे ये साइड डबल है। मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू एक्स। अपन ने क्या किया, इस साइड को एक्स सेंटीमीटर माना। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। देन साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन दोनों के साइड्स का रेशियो निकालना है। बी की साइड कितनी है, एक्स। ए की साइड कितनी है, 2x सेंटीमीटर। और आपको पता है जब अपन रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। बी टू ए अपन को फाइंड आउट करना है। बी कितना है, एक्स सेंटीमीटर, अपॉन ए कितना है, 2x। तो देखिए एक्स से एक्स क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये देखिए 1 times 2 times, पीछे यहाँ पे क्या बचा, 1। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे था क्या, 1x। आपने पिछली चैप्टर में ऐसे पढ़ा होगा 4x 5x। तो अगर सिंपल एक्स लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है 1x, ठीक है। ये एक्स का कोफिशियंट 1 है यहाँ पे, तो 1:2 हो गया। तो रेशियो बी टू ए क्या होगा, 1:2। सेकेंड कहता है इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अपन ने देखिए एक स्क्वायर ए का जो एरिया निकाला उसको मैंने A1 नाम दे दिया। स्क्वायर बी का जो एरिया निकाला उसे A2 नाम दे दिया। तो A1 की साइड कितनी है, 2x। और फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो 2x इंटू 2x का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या होगा, 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 इतना आया। A2 साइड कितनी है, x सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर। A2 कितना आया, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना है क्या है, बी टू ए, ए टू रेशियो A1 निकालना है। A2 कितना है, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो यूनिट लेस होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं लगती है। ये कितना है, 4x स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो क्या बना, 1:4। थर्ड में है इनके पेरीमीटर का आपको निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into साइड 4। चलिए अब A1 का P1, स्क्वायर ए के पेरीमीटर को P1 नाम दिया, इसको अपन ने P2 नाम दिया। तो P1 क्या होगा, 4 into साइड कितनी है, 2x। P2 इज इक्वल्स टू 4 into साइड है, x। तो क्या होगा, 8x सेंटीमीटर। P1 इज इक्वल्स टू 8x सेंटीमीटर। P2 होगा 4x सेंटीमीटर। रेशियो क्या निकालना है आपको, P
P1 ratio P2, 8x ratio 4x, 4 1s are 4, 4 2s are 8, x cancel, 2 is to 1, इसका रेशियो क्या होगा, 2 is to 1। तो क्वेश्चन 11th के ABC मैंने आपको तीनों करा दिए हैं, 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि देखिए एक मैन है जो कि अगर साइकिल से जो है ट्रेवल करता है, तो उसको 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए से 1/2 मतलब होता है 3/2 आवर्स लगते हैं, और अगर वो कार से ट्रेवल करता है तो उसको देखिए 120 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो उनकी स्पीड्स का क्या है, अपन को रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए स्पीड होती क्या है, इस क्वेश्चन में तो आपको स्पीड नहीं दे रखी है, लेकिन हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, वी नो डैट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अपन साइकिल की स्पीड निकालते हैं, ठीक है, कि अगर वो साइकिल से चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है, 3/2, देखिए 3/2 लिखते हैं अपन, ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड इसकी कितनी आई, 40/3 किलोमीटर पर आर। और अब कार की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ कार क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120, टाइम कितना लग रहा है 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, ये क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आर। अपन को क्या करना है, इनकी स्पीड्स का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, फोर्टी अपॉन 3 अपॉन 60। देखिए ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इस 3 को क्या कर दिया अपन, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना होगा 18 हुआ। अब इसको अपन करेंगे 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 9, तो रेशियो क्या हो गया दोनों की स्पीड का, 2 is to 9। फिर अपन क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 ये कहता है संगीता और अक्षिता के बीच में आपको 900 रुपीस डिवाइड करने हैं, लेकिन ऐसे डिवाइड करना है कि अगर संगीता के पास 12 रुपीस होंगे तो रचिता के पास 15 रुपीस होंगे। इधर अपन को रेशियो दे रखा है 12 to 15, ठीक है, 12 to 15 = संगीता रेशियो रचिता, मतलब ये संगीता को 12 रुपीस मिलेंगे तो रचिता को 15 रुपीस मिलेंगे। अपन फाइनली फाइंड आउट कर ही देते हैं कि संगीता को टोटल कितने रुपीस मिलेंगे। संगीता विल हैव 12 अपॉन, टोटल कितना है, इन दोनों का सम अप करते हैं, 12 + 15 × ₹900। तो देखिए 12 upon 27 × ₹900, तो संगीता को इतने रुपीस मिलेंगे। अब रचिता को कितने मिलेंगे, रचिता विल हैव, रचिता को कितने मिलेंगे, 15 upon, सेम वही नीचे प्लस करना है, 12 + 15 = ₹27 × ₹900। तो इतने ही पैसे संगीता को मिलेंगे, इतने ही पैसे रचिता को मिलेंगे, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 14 देखिए बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन इसमें क्या आपको 3 रेशियोज दे रखे हैं, 3 is to 4 is to 5, मतलब देखिए आपको ₹1560 आपके पास है,
आपको क्या करना है, सुमिता कृष्णा अमित के बीच में ये पैसे डिवाइड करने हैं। इस तरह से डिवाइड करने हैं कि अगर सुमन को 3 रुपीज़ मिलते हैं तो कृष्णा को 5 रुपीज़ मिलेंगे और अमित तो कृष्णा को 4 रुपीज़ मिलेंगे और अमित को जो है 5 रुपीज़ मिलने चाहिए। तो इसमें भी रेशियो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो कि ये रेशियो है, इस रेशियो में ये डिवाइड करो, भले पैसे हो कुछ भी हो, तो क्या करोगे, 3 + 4 + 5 सबसे पहले इस रेशियो का सम अप करेंगे, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12। अपन लिखेंगे सुमन विल है, सुमन के पास कितने पैसे होंगे, सुमन को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 3 / टोटल कितने 12 में से उसको 3 रुपीज़ मिलेंगे और कितना अपन को डिवाइड करना है, मतलब टोटल इसको डिवाइड करना है 1560। फिर कृष्णा को कितने रुपए मिलेंगे, कृष्णा विल हैव उसको 4 रुपीज़ मिलेंगे, 12 में से उसको 4 रुपीज़ मिलेंगे, टोटल कितना डिवाइड करना है 1560। अब अपन लिखेंगे अमित विल हैव, अमित को जो है देखिए 12 में से उसको 5 रुपीज़ मिलेंगे लेकिन टोटल डिवाइड कितना करना है 1560। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि किरण और कन्नू के बीच में आपको जो है 2880 रुपीज़ डिवाइड करने हैं, किस रेशियो में, कि अगर किरण को 5 रुपीज़ मिलते हैं तो कन्नू को 7 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, और टोटल रुपीज़ कितने हैं ये डिवाइड करने हैं। इसका रेशियो क्या बना, 5:7। अभी आपको बताया जैसे ही जब भी रेशियो वाले ये ऐसे क्वेश्चन आए डिवाइड करना है सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सम अप करना है, मतलब 12 रुपीज़, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, किरण विल हैव देखिए उसको 12 में से किरण को 5 रुपीज़ मिलेंगे, टोटल डिवाइड कितना करना है 1200 रुपीज़ हुए, ठीक है। फिर कन्नू को कितने रुपीज़ मिलेंगे, कन्नू विल हैव उसको 12 में से 7 रुपीज़ मिलेंगे, मल्टीप्लाई 2880 1680 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि देखिए एलॉय बनाने के लिए, एलॉय आपको बता दिया है कि जो मेटल्स का मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का एलॉय है, उसमें देखिए कॉपर, अगर कॉपर 5 ग्राम चाहिए तो टिन 2 ग्राम चाहिए, ये रेशियो दे रखा है 5:2। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर अपन ने 31 ग्राम कॉपर ऐड किया तो कितना टिन चाहिए। ये देखिए प्रोपोर्शन की फॉर्म में, प्रोपोर्शन अपन आपको अगली एक्सरसाइज में करा देंगे। अगर 5:2 है बीच में, ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, 5:2 प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये 5 किसका है, कॉपर का है और ये टिन का है, कितना ग्राम कॉपर 31.5, इधर भी कॉपर होगा। देखिए 5 ग्राम कॉपर के लिए 2 ग्राम टिन चाहिए, तो 31.5 ग्राम कॉपर के लिए कितना ग्राम टिन चाहिए, अपन ने माना कि 35.5 ग्राम कॉपर के लिए x ग्राम टिन चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि टिन हमें कितना चाहिए, हमें तो फाइंड आउट करना है, तो हमने इसे x माना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की एक खास बात होती है, देखिए अंदर वाले का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू बाहर वाले का प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अंदर वाली टर्म्स मीन, बाहर वाली एक्सट्रीम्स, मतलब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 31.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये बराबर होगा, देखिए 5 × x 31.5 × 2, अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपन को 5x की वैल्यू गिवन है लेकिन अपन को तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को इधर फिक्स किया, ये 5 नीचे चला जाएगा, 31.5 × 2 = 5 x is equals to 1 2 point
2.6 ग्राम, तो इतना ग्राम टिन चाहिएगा, ठीक है। 31.5 ग्राम कॉपर के लिए 12.6 ग्राम टिन चाहिए। क्वेश्चन 17, देखिए एक फ्रूट सेलर है, वो स्कोर ऑरेंजेस के रुपीस लेता है 100 और एक डजन एप्पल्स के रुपीस लेता है वो 100। देखिए एक स्कोर में जो है आपको 20 आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, और एक डजन में जो है 12 आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक फ्रूट सेलर है, अगर वो एक स्कोर ऑरेंजेस मतलब 20 ऑरेंजेस के कितने रुपीस लेता है 100 रुपीस, और डजन एप्पल्स मतलब 12 एप्पल्स के रुपीस होते हैं 100 रुपीस, तो अपन को रेशियो निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स, ऑरेंज की सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। तो देखिए एक स्कोर मतलब 20 ऑरेंजेस के रुपीस कितने हैं 100 रुपीस, तो वन ऑरेंज का कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20, ठीक है, और 12 एप्पल के प्राइस कितना है, ये भी 100 है, वन एप्पल का कितना हो जाएगा 100 अपॉन 12। दोनों का रेशियो निकालना है, एसपी ऑफ ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज टू सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। ऑरेंज का क्या है सेलिंग प्राइस 100 अपॉन 20, रेशियो 100 अपॉन 12। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या होता 1 अपॉन 20 रेशियो 1 अपॉन 12। अब क्या होगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इधर भेजेंगे 12 रेशियो 20 हो जाएगा। अब इसका रेशियो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 अपॉन 20, 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो 6 अपॉन 10 एंड 3 से डिवाइड करते हैं 3:5, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर आया 3:5। फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, रेशियो 3:5। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है, किस हिसाब से किया है, 1:20 है, मैंने क्या किया ऊपर नीचे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेशियो, ये 1:12 है, इसको ऊपर नीचे मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये क्या है, ये भी 20:12 है, ये भी 12:20 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचा 1:12 12, 20:1 20। तो ये ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि देखिए एक मैन है, उसका एक्सपेंडिचर मतलब इतने पैसे वो खर्च करता है और उसकी सेविंग का रेशियो है 7:2, मतलब अगर उसने 7 पैसे खर्च किए हैं, 7 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं, तो 2 रुपीज़ उसने सेव किए, और उसकी टोटल इनकम कितनी है 13,500, तो वो सेव कितना करता है, टोटल कितना सेव करता है। तो देखिए ही सेव्स, सेविंग्स इज इक्वल्स टू, वही करना है, देखिए इसकी सेविंग कितनी 2, इसकी सेविंग 2 है, 7+2 कितना होगा, मतलब 9 रुपीज़ में से वो 2 रुपीज़ सेव करता है, और टोटल कितने सेव करेगा 13,500 में से। तो ये जो अपन सॉल्व करेंगे, मतलब जब जो अपना आंसर आएगा वो हो जाएगी इस मैन की सेविंग्स की, वो इतने पैसे सेव करता है। नाइनटीन क्वेश्चन ये कहता है, देखिए विद्या भारती है, उसकी स्कूल जो है 10:30 AM पे स्टार्ट हो जाती है और 4:15 PM पे स्कूल ओवर हो जाती है, और उस पूरे इस टाइम के बीच में उसकी दो रिसेस होती हैं, दो रेस्ट पीरियड होते हैं, एक होता है 15 मिनट्स का, एक होता है 30 मिनट्स का। तो अपन को रेशियो निकालना है रेस्ट टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए 10:30 AM से 4:15 PM तक का टाइम पहले हुआ कितना, ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए 10:30 से 11:30 पे होगा एक आर, 11:30 से 12:30 में होगा 2 आवर, ठीक है, 12:30 से 1:30 के बीच में तब हो जाएंगे उसको 3 घंटे, फिर 1:30 से 2:30 पे 4 आर, 2:30 पे 3:30 पे हो जाएंगे 5 आवर्स, ठीक है।
थ्री थर्टी से फोर कितना हो जाएगा, साढ़े फाइव, 5.5 घंटे हो जाएंगे, मतलब 5 आवर्स और 30 मिनट्स, 15 मिनट और है ना स्कूल की छुट्टी का। अभी तक तो 4 बजे हैं, 4:15 तक होंगे, 15 मतलब 15 मिनट और होंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट करेंगे तो 5 आवर तो है ही है, 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स कितना होगा, 45 मिनट। ठीक है, मतलब जो है उसको स्कूल में 5 आवर 45 मिनट उसको स्कूल में रहना पड़ता है। ठीक है, उसमें से उसके 2 रिसेस पीरियड, एक 30 मिनट्स का और एक 15 मिनट्स का, तो टोटल रिसेस टाइम कितना हो गया उसको 45 मिनट्स, मतलब उनको रेस्ट मिलती है 5 आवर 45 मिनट्स में से उसको 45 मिनट्स रेस्ट मिलती है, 2 रिसेस के पीरियड होते हैं। रेशियो कितना किसका निकालना है, रिसेस टाइम टू टोटल लेसन टाइम, रिसेस टाइम कितना है 45 मिनट्स। और देखिए जब इसमें से 45 मिनट रेस्ट के हैं तो टोटल मतलब उसको 5 घंटे ही पढ़ना पड़ता है, 2 5 आवर। ठीक है, लेकिन रेशियो जो है आपको बताया था सिमिलर चीज़ों का निकलता है, तो ये मिनट में है इसको भी मिनट में होना चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको आवर में चेंज किया तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, इससे अच्छा हम क्या करते हैं आवर को मिनट में चेंज करते हैं, 45 5 into 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे, 60 multiply 5 minutes। तो देखिए 45:300, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 की टेबल से करते हैं 9:60, फिर इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं 20, तो क्या रेशियो आया 3:20। अगर वो 3 मिनट रेस्ट करती है तो 20 मिनट पढ़ती है। ठीक है, 19 करवा दिया 20, ये कहता है इसी एक लाइन सेगमेंट है, कितनी लेंथ है इसकी 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, और ए बी का ए बी रेशियो बी सी है 7:8, तो अपन को ए बी और बी सी फाइंड आउट करने हैं। ए बी इज इक्वल्स टू रेशियो, ए बी को क्या मिलेगा 7, टोटल कितना है 7 + 8 15 मल्टीप्लाई 4.5। बी सी क्या होगा, मतलब अगर ए बी 7 सेंटीमीटर है तो बी सी 8 सेंटीमीटर होगा। अब बी सी कितना होगा, देखिए 8 है, 15 में से 15 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर बी सी होगा, टोटल 4.5 का कितना होगा, तो ये ए बी और बी सी निकल जाएंगे। आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है, ये आपको कॉपी में करनी है।